कितना चार्ज करते हैं एज पर जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं तो जैसे ये रिलायंस वगैरह इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इनकी करोड़ों में फीस होती है, वो जो ऑडिट करने जाएंगे तो करोड़ों में फीस होती है इनकी, ऐसे नहीं कि 10। और काम कितने दिन का होता है? महीने का होता है कम से कम, काम 1 महीने का तो होता है, 1-1.5 महीने का। और इनके फीस, तो अगर मान लो मेरे पास 10 कंपनी है, 20 का कर सकता हूँ, 20 बड़ी बड़ी कंपनी है, तो अगर सबसे मैंने 3-3 करोड़ रुपए का फीस लिया है, तो 3 से 3 महीने का काम होता है सिर्फ ये, तो 3 महीने में कितने पैसे मैं कमा लूंगा? बहुत सारे कमा सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन इसलिए बोला कि 20 से ज्यादा आपको नहीं करना ऑडिट, सिर्फ लिमिट लगा दिया कितने तक, 20, लेकिन अदर कंपनी का आप कर सकते हो 10। और अब ऑडिट कौन कौन सा, एक टैक्स ऑडिट भी होता है। टैक्स ऑडिट जब होता है तो आप टैक्स ऑडिट कितने ले सकते हो? 60, तो 30 ये दिया गया और 60 टैक्स ऑडिट आप कर सकते हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट रूल। और उसके बाद टोटल कितने हो गए? 90, और छोटे मोटे मिला के 100 तक कर सकते हो आप ऑडिट पूरे एक साल के अंदर आप, ठीक है। अब मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया? 30। इसके बाद आपका, आपने लॉ में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड बाय लॉ है, यानी कोई उसने ऑफेंस किया है, तो वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, पढ़ा होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो जब हम ऑडिट करते हैं तो उस ऑनर से कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, हम ये काम करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। 10 साल तक होता है इसका रूल, के 10 साल तक कोई भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। लास्ट है, एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट एंगेज एंड ऑडिट अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट एंड स्पेशलाइज सर्विस। अब सब्सिडरी और होल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखना, लॉ में भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, 100% लॉ में क्वेश्चन आएगा। सब्सिडरी देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, इसने क्या करा, पी क्यू आर लिमिटेड के इसने 51% शेयर खरीद लिए, तो ये कंपनी माना जाएगा होल्डिंग और ये माना जाएगा सब्सिडरी, ठीक है। अब मान लो पी क्यू आर लिमिटेड ने एस क्यू एल लिमिटेड के 50% खरीद लिए, 51%, तो ये माना जाएगा होल्डिंग और ये माना जाएगा। अब मुझे बताना, क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड का ये भी सब्सिडरी होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर एस क्यू एल ने रख लिया, मान लेते हैं ए बी सी लिमिटेड का 51%, तो ये सब्सिडरी होगा इसका, और ये इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो ये चेन बन जाता है। तो होल्डिंग सब्सिडरी बेसिकली क्या होता है, जो किसी कंपनी का शेयर 51% से मेजोरिटी ज्यादा होल्ड करता है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और उसके दूसरा क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। तो वही वर्ड लिखा, एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट एंगेज ऑन द डेट, मतलब अगर मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं तो ये मेरा सब्सिडरी है, मैं यहां पे कोई कंसल्टेंसी का सर्विस भी नहीं दे सकता, मैं यहां पे अकाउंटेंट भी नहीं बन सकता, मेरा इस कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी सब्सिडरी कंपनी है उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो आप इस कंपनी के लिए क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पे बोला गया, एनी पर्सन हु सब्सिडरी और एसोसिएट एंगेज ऑन डेट, जिस दिन ऑडिट हो रहा है, ऑफ अपॉइंटमेंट इज कंसल्टेंसी और स्पेशलाइज सर्विस। कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है? हर चार्टेड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी दे देता है कि आप क्या काम करोगे, क्या काम नहीं करोगे। और दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया यहाँ पे, स्पेशलाइज सर्विस। कई बार चार्टेड अकाउंटेंट जहां पे सीए का काम कर रहा है वहां बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करवाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है हमारा, कि जैसे कि वहां का अकाउंटिंग करवा देना, अपने एम्प्लॉई को भेज के जाओ उसका अकाउंटिंग करो, अकाउंटिंग का अलग पैसा आ रहा है, ऑडिट कर रहे हैं उसका अलग पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं बोला गया, बोला गया ऑडिट करोगे तो ऑडिट ही करोगे, आप वहां अकाउंटेंट नहीं बन सकते। 144 सेक्शन में कुछ लिस्ट गिवन है स्पेशलाइज सर्विस की, ठीक है। तो जैसे कि क्या क्या लिस्ट गिवन है, आप इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, आप एक्रूवल सर्विस नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा सर्विस नहीं दे सकते, इस तरीके का। तो देखो, आज इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कंफर्म आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, और क्या आएगा? मेजरली डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कौन होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। डिस्क्वालिफिकेशन कौन होगा? कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, एम्प्लॉय नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं हो सकता, इसके बाद रिलेटिव और कोई भी उस कंपनी के अंदर
अगर खुद है तो वहां पे 1 रुपए का कोई शेयर नहीं होना चाहिए, रिलेटिव है तो 1 लाख से ज्यादा का शेयर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या लिखा है मैंने कि वो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बिजनेस में रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन दो चीजें एक्सेप्शन है हमारा, अगर हम उससे कोई सामान खरीदते हैं और फेयर देते हैं लेंट तो वो चलेगा, और अगर मैं प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ वो तो काउंट ही होगा। इसके बाद डायरेक्टर आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद कितने ऑडिट कर सकते हो, मैक्सिमम 30, एग्जाम में आप 20 लिख के आना, क्योंकि आप तो इस सेक्शन को डिफाइन करोगे तो इस सेक्शन में कितना लिखा है, सिर्फ 20 लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपको कोर्ट ने कन्विक्टेड कर रखा है कि आप कभी कोई फ्रॉड वगैरह में पाए गए हो तब नहीं कर सकते, और आप किसी सब्सिडरी और चाहे उस कंपनी का चाहे सब्सिडरी कंपनी में कोई सर्विस भी नहीं दे सकते स्पेशलाइज, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट है ये, 9 के 9 आपको लिखने होंगे पॉइंट, ठीक है। और ये ABCD क्या है आपका सेक्शन, इस आई का मतलब क्या है, 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस बनाया ताकि आपको याद हो जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर देंगे।